जिज्ञासा है क्योंकि जागरण फिल्म फेस्टिवल में मेरे फिल्म्स तीन बार शायद मैं गया हूँ जागरण फिल्म फेस्टिवल्स में। एक बार मैं गया था शिमला जहाँ पे स्क्रीनिंग शायद आई एम का हुआ था। एक बार मैं गया था कानपुर जहाँ पे स्क्रीनिंग द जापानीज़ वाइफ का हुआ था, और एक बार मेरे ख्याल से दिल्ली या बम्बई में, एक बड़े शहर में। लेकिन सबसे जो यूनिक चीज़ है इस फेस्टिवल का वो ये कि छोटे छोटे शहर में बहुत बढ़िया फिल्म्स जागरण फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से लोगों को देखने को मिलता है। एक्साइटमेंट बहुत है, किसी भी एक फिल्म फेस्टिवल को लेके एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि नए नए फिल्म मेकर्स की, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स की फिल्म्स दिखाई जाती हैं, डिफरेंट कंट्रीज से फिल्म आती हैं, डिफरेंट फिल्म मेकर्स की फिल्म आती हैं, आप डिफरेंट स्टोरीज सुनते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स देखते हैं। सो आई थिंक एज अ सिनेमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म फेस्टिवल्स, जहाँ पे एक फिल्म मेकर को रिलीज़ का नहीं सोचना पड़ता है, बजट्स का नहीं सोचना पड़ता है, कलेक्शंस का नहीं सोचना पड़ता है। इट वर्क्स ऑन मेरिट, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो आई एम रियली रियली हैप्पी टू बी हियर टुडे। यार अमित जी को कोई क्या अवार्ड देगा, आई मीन इट्स सच अ बिग ऑनर, आई मीन वो तो लिविंग लेजेंड है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि वन मोर यू नो अवार्ड फॉर हिम एंड रियली हैप्पी। मतलब इट्स अ लेजेंड यार, मतलब लेजेंड को आप क्या अवार्ड दे सकते हैं, यू कैन जस्ट रिकग्नाइज हिम। मैं बस यही बोलना चाहूँगा, आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर, चीयर्स गाइस, थैंक यू सो मच। मैं जागरण फिल्म फेस्टिवल के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा फिल्म फेस्टिवल्स नहीं देखे अभी, एंड आई हैव हर्ड इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिल्म फेस्टिवल्स, एंड फॉर आवर फिल्म टू हैव गॉट सिलेक्टेड एंड बीइंग शोकेस्ड हियर एट दिस फिल्म फेस्टिवल ऑल्सो, इतने सारे लोग आए हुए हैं सारे अलग अलग, सो या इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, इट्स ओवरवेलमिंग। जब मैं मूवी देख रही थी पीपल लाइक्ड इट, दे वर हूटिंग एंड दे वर क्लैपिंग एट सम पॉइंट्स, दैट वाज very satisfying as an actor or a performer. जागरण फिल्म फेस्टिवल के लिए तो बहुत एक्साइटमेंट है, मैं जाकर कूदने वाली जैसी एक्साइटमेंट है। नो इट्स अ फैंटास्टिक फेस्टिवल, इट्स अ वेरी वाइटल पार्ट ऑफ मुंबईज यू नो इथॉस कल्चरल क्लाइमेट, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट, नॉट जस्ट टू कम एंड वॉच द मूवीज़ बट दिस ईयर माई ओन मूवीज हैज जस्ट बिन स्क्रीन द ऑड कपल, so it's a wonderful feeling, and I know the team who curated and who run it, they're a bunch of very intelligent, very wonderful people, so I'm just part of, I'm happy to be here on the first day celebrating the start of the festival. Nahi is session mein mujhe bahut maza aaya, aur aapko main bataun ki ye jitne bhi is tarah ki jo programs hote hain yahan, interaction ka mauka milta hai, youth tha pura, to main to bahut hamesha enjoy karta hu, isliye ki sometime actually aap chaukte hain ki bhai aapke bare mein sab pata hai logo ko, to ye kuch aise sawal aate ki oh ye humne khud ne bhi nahi socha, to it was a pleasant one to question ki acha to आपको कुछ सीखने का ही मौका मिलता है। मेरा मानना है कि इस तरह के इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी भी है, आपको भी पता लगता है, आपकी वजह से कुछ लोगों को शायद कुछ सीखने का मौका मिले, क्योंकि जो सीखना होता है वो कभी ज़िंदगी के अंदर ये होता है कि किसी का एक डायलॉग जो है वो आपको शायद वो सिखा सकता है, जो आपको एक पूरी किताब आप साल भर पढ़ें तो नहीं सिखा सकते, तो मुझे लगता है ये जो बातें बात करना बहुत ज़रूरी है। मतलब खुशी हो रही है कि यू नो योर फिल्म्स आर बीइंग रिलीज्ड हियर, एक अलग प्लेटफॉर्म है फॉर पीपल, जो फिल्में रिलीज़ हो चुकी है, काफ़ी प्रीमियर्स हो रहे हैं, आई थिंक कोई फिल्में हैं एक फेस्टिवल में जो कुड नॉट गेट अ थिएट्रिकल रिलीज़, तो आई थिंक ऑडियंस को एक मौका मिल रहा है टू कम वॉच मूवीज़ बैक टू बैक, सो आई थिंक इट्स एक्साइटिंग, इट्स ग्रोइंग द फिल्म मार्केट, एंड मैंने मुझे कहा गया इट्स गोइंग टू क्वाइट अ फ्यू सिटीज़, तो वरना एक फिल्म फेस्टिवल होता है जो एक ही सिटी में होता है, यू नो, बट दिस इज़ हैपनिंग इन मल्टीपल सिटीज़, सो पीपल आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू लाइक स्पेशली फॉर फिल्म्स व्हिच डिड नॉट मेक इट टू अ थिएट्रिकल रिलीज, यू नो, सो इट्स ग्रेट, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। अभी डिस्कशन किया राजीव मसंद जी के साथ सिनेमा के ऊपर, तो दैट्स हाउ वी आर इन्वॉल्व, और मैं तो आई थिंक फर्स्ट फेस्टिवल भी आया था, अवार्ड दिया था आई थिंक उस टाइम पे। एक्चुअली मैं जागरण फिल्म फेस्टिवल से पिछले 4-5 साल से जुड़ी हूँ, पहले भी मेरे फिल्म जागरण में दिखाए जाते थे, और इस फेस्टिवल की खास बात है कि ये सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में नहीं, आई थिंक कुछ 80-20 सिटीज़ में दिखाया जाता है, कुछ 400-500 कितने हॉल्स मालूम नहीं, बट आई थिंक इट्स रीच इज़ एज फार एज रीच इज़ कंसर्न, बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे हॉल्स में दिखाए जाते हैं। मामी तो सिर्फ मुंबई में होता है, बट जागरण
आई थिंक ऑल ओवर इंडिया होता है, तो एक फिल्म जो है फेस्टिवल फिल्म सिर्फ मेट्रो सिटीज़ तक रुक नहीं जाती, बहुत सारे लोग जो थोड़ा अलग फिल्म देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, इस फेस्टिवल की यही खास बात है।